आपने साध्वी बनने की बातें खूब सुनी होंगी, लेकिन कम उम्र में ही इस ओर रुख कर जाना बड़ी बात होती है। गुजरात के सूरत में भी ऐसा ही हुआ, जहां एक बड़े हीरा कारोबारी की बच्ची ने जिंदगी में नई राह चुन ली। इस दौरान वहां संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। इस शोभा यात्रा में सभी की निगाहें सिर्फ इस बच्ची पर है। इस मंच पर सभी टकटकी लगाए सिर्फ 8 साल की देवांशी को देखते रहे। सूरत में ये 35,000 लोगों की भीड़ सिर्फ देवांशी को देखने के लिए पहुंची है। अपने माता पिता के आंचल में दिख रही इस बेटी को ये सांसारिक दुनिया रास नहीं आई और महज 8 साल की उम्र में भौतिक संसार को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया। ये सुनकर आप हैरत में होंगे, लेकिन ये सच है। ये कोई आम तस्वीरें नहीं है। दरअसल मंच पर सज धज कर खड़ी नन्ही देवांशी ने अब सांसारिक मोह बंधन त्याग दिया है। वो दीक्षा ग्रहण कर अब साध्वी बन गई है। उन्हें साध्वी दिगंत प्रज्ञाश्री के नाम से नई पहचान मिली है। बताया जाता है कि बचपन से ही देवांशी को धार्मिक कार्यों में रुचि थी। जब जन्म से नहीं, मैं तो ऐसा बोलूंगा कि पुनर्जन्म से, जो आगे का जन्म उसका हुआ नहीं, उनसे पहले वो धर्मात्मा थी। और धर्मात्मा का जो इसका जो विचार है, सोच, वो धर्मात्मा का सब नियम लेके ही जन्मी। देवांशी के पिता धनेश्वर संघवी मूल रूप से राजस्थान के सिरोही जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें सूरत और मुंबई में बड़े हीरा कारोबारी के तौर पर जाना जाता है। देवांशी चाहती तो पूरी जिंदगी ठाट बाट से गुजार सकती थी, पर उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। धार्मिक परिवार है और बहुत घरों में भी इतनी छोटी उम्र में इतना धर्म करती है कि बड़ा भी नहीं कर सकता। इतनी धर्म करती है, अपनों को भी कल्पना नहीं होती। रात्रि भोजन का त्याग है उसको, 24 दिन के बाद रात्रि भोजन का त्याग। वो अभक्ष नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, होटल नहीं, पिक्चर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो संस्कार जो दिया है ना माता पिता ने, विश्व में असल। सूरत के वेसू इलाकों में आयोजित इस दीक्षा समारोह में करीब 35,000 लोग पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में दीक्षा की विधि पूरी की गई। इससे पहले देवांशी की शोभा यात्रा निकली, जिसमें हाथी, घोड़ा और बैंड बाजे के साथ कई लोग शामिल हुए। उनका जो जन्म से उसका जब डिलीवरी हुआ, 4 दिन के बाद ही उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग करवा दिया उसकी मम्मी ने। 4 दिन बाद उसको रात को दूध भी नहीं देते थे उसकी मम्मी। और वो उसका इतना ऊपर लिख कर आई है कि कुछ देवात्मा तरह की परी बन के आई है, परी बन के सबकी नजरों के सामने वो दीक्षा ग्रहण किया, उससे तो ज्यादा क्या बोले। समय मार्ग चुनने से पहले देवांशी अपनी गुरु के साथ करीब 600 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुकी है। अब वो एक नए रास्ते पर चलेगी, जहां धर्म और सेवा भाव सबसे ऊपर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।